For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. ट्रेड एनालिस्ट पॉजिटिव है कि सलमान खान की ट्यूबलाइट डेफिनेटली 350 करोड़ क्रॉस करेगी। जी हाँ, ये ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट यकीनन फैंस के लिए एक रॉयल ट्रीट है। खबर ये है कि फैंस इस ईद रिलीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। सलमान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है और इस बार एडवांस बुकिंग्स काफी जल्दी शुरू होने जा रही है। खबरों की माने तो फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 130 करोड़ से ज्यादा है और ये भी अपने आप में एक अमेजिंग फीट है। फिल्म तो पहले वीक में ही अपना जादू दिखाएगी और हमें यकीन है कि सेकेंड वीक में ही ये फिल्म 350 करोड़ क्रॉस कर लेगी। खैर, सलमान की फिल्में सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कुछ नया ऑफर करती है, तो भाई की इस 23 जून को रिलीज होने वाली फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट जल्द ही रिलीज होने वाली है और रिलीज से पहले ही फिल्म ने फैंस के दिल में जगह बना ली है। तो हमने ट्यूबलाइट देखने के 7 रीजंस लिस्ट किए हैं, तो आइए देखते हैं इन रीजंस की एक झलक। सलमान खान और कबीर खान की जोड़ी ने हमेशा अपना जादू दिखाया है। एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान ने फैंस को काफी इंप्रेस कर दिया है और अब हम इस हिट जोड़ी की तीसरी ऑफरिंग के लिए बेहद एक्साइटेड है। ओम पुरी के निधन से इंडस्ट्री ने एक टैलेंटेड स्टार खोया और ट्यूबलाइट इस वेटरन स्टार की आखिरी फिल्म होगी। ट्यूबलाइट में ओम पुरी एक मुस्लिम गांधियन का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके और खान ब्रदर्स के बीच का इक्वेशन देखने लायक होगा।
सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी हिट है और फैंस इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। फिल्म करण अर्जुन की गिनती आज भी बॉलीवुड की एवरग्रीन फिल्मों में की जाती है। करण अर्जुन के बाद सलमान ने शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम में कैमियो रोल किया था और अब शाहरुख भी अपने फ्रेंड सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में कैमियो रोल प्ले करेंगे। प्रीतम आजकल अपने हिट म्यूजिक की वजह से छाए हुए हैं और उन्होंने ऐ दिल है मुश्किल, बजरंगी भाईजान, दिलवाले और बर्फी जैसी हिट फिल्म्स में काम किया है। इतने हिट नंबर्स डिलीवर करने के बाद प्रीतम ने अपने फैंस को ट्यूबलाइट में भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। बॉलीवुड में इंडिया और पाकिस्तान के वॉर की ढेर सारी फिल्में हैं, पर इंडिया और चाइना के वॉर पर किसी ने भी रोशनी नहीं डाली है, तो ऐसे में फैंस इस अनट्रोडन चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को देखने में काफी इंटरेस्टेड है। रियल लाइफ ब्रदर्स सलमान और सोहेल फिल्म ट्यूबलाइट में भी भाइयों का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका भाईहुड देखने लायक होगा। सलमान खान मेन लीड प्ले कर रही है तो इससे बड़ा कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। ये तो थे हमारे साथ रीजंस, पर आपके क्या रीजंस है ट्यूबलाइट देखने के लिए हमें जरूर बताएं। भाई सामने सोल भाई, सोल भाई सेंटर, सोल भाई, सोल भाई सेंटर में भाई, यही है वो। अरे इन हाउस, इन हाउस ले लेने दे। अरे इन हाउस से तो ठीक है ना, ऊपर जाना। हाँ सर, सोहेल भाई अभी देखो सामने, सोहेल भाई सामने, बस हो गया भाई। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सोहेल भाई आप और लड़का, हाँ आप और लड़का प्लीज एक साथ में। भाई भाई आप अभी, आप ये साइड आ जाओ भाई, ये साइड आ जाओ। आप बैठो, अभी बैठो, अभी बैठो। फैंस रणबीर और कैटरीना के ब्रेकअप का रीजन जानने के लिए बेताब है, पर बहुत गेस करके भी फैंस इस हॉट कपल के अलग होने का कारण नहीं जान पाए। रणबीर और कैटरीना की प्रेम कहानी शुरू हुई थी अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान। दोनों का प्यार बढ़ते बढ़ते बहुत गहरा हो गया और दोनों लिव इन रिलेशन में भी थे और फिर अचानक ब्रेकअप हुआ। बहुत सोचने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन सपन वर्मा ने सच का खुलासा किया। सच जानने के लिए ये देखिए फिल्म ऐ दिल है मुश्किल, बचना है हसीनों और ये जवानी है दीवानी के पोस्टर्स। तीनों में लीडिंग लेडी दिल खोल कर हंस रही है, मानो रणबीर ने कोई हिलेरियस जोक क्रैक किया हो। और अब इन पोस्टर्स पर नजर डालिए, अजब प्रेम की गजब कहानी के पोस्टर में कैटरीना के फेस पर हंसी नहीं बल्कि एक कंफ्यूज स्माइल है। रणबीर और कैटरीना की अगली फिल्म का पोस्टर राजनीति देखिए, यहाँ भी कैट खुलकर नहीं हंस रही है और फाइनली जगह जासूस के पोस्टर में तो स्माइल भी नहीं है। वही एक और स्पेशल पोस्टर है जो हम आपको दिखाएंगे, ये है फिल्म बार बार देखो का पोस्टर। ये क्या, कैट खुलकर हंस रही है जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कोई जोक क्रैक किया हो। अब सपन का मानना है कि कैटरीना को रणबीर के जोक्स फनी नहीं लगते और उन्हें हंसी नहीं आती, इस बात से रणबीर नाराज है और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। तो आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
कटरीना कैफ और रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म जगा जासूस को एक साथ प्रमोट कर रही है। और खबरों की माने तो कटरीना को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म प्रमोट करने के लिए सलमान खान ने सलाह दी। सलमान ने कटरीना को प्रोफेशनल अप्रोच फॉलो करने की सलाह दी और रणबीर के साथ फिल्म प्रमोट करना उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। भाईजान तो कटरीना के लिए एक बेहद अच्छे मेंटर माने जाते हैं और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने अपने गुरु की बात मानने में भलाई समझी। तो अब जग्गा जासूस के प्रमोशंस में हम दोनों एक्स लवर्स को एक साथ देखेंगे और दोनों ही अपनी बेस्ट देंगे। तो क्या फिल्म के रिलीज होने के बाद दोनों एक बार फिर अपने रिलेशन को सेकंड चांस देंगे? खैर, फैंस तो यही चाहते हैं, पर हमें अब तक ये नहीं पता कि रणबीर और कटरीना के मन में क्या है। आपको क्या लगता है इस चिकनी चमेली रॉक स्टार और तबंग खान के ट्राइंगल के बारे में? हमें जरूर प्रीति जिंटा ने एक बार फिर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से हमें इम्प्रेस किया है। प्रीति अपनी अगली फिल्म भैयाजी सुपरहिट में सनी देओल के साथ काम करती दिखेंगी और जब इस डिंपल ब्यूटी को ये पूछा गया कि वो सलमान खान के साथ काम करना चाहेगी या शाहरुख खान के साथ, तो प्रीति ने बड़ी समझदारी से अपने अनोखे अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया। प्रीति ने कहा कि वो दोनों खान के साथ काम करना चाहेगी। प्रीति पहले खान ग्रुप का हिस्सा थी और फिर पिक्चर में आए नेसवाड़िया और प्रीति और नेस की प्रेम कहानी तो सबको पता ही है। फिर प्रीति क्रिकेट और अपनी पर्सनल मैटर्स में इतना उलझी कि वो फिल्म सर्किट से दूर हो गई। पर अब प्रीति वापस आ गई है और साथ लाई है वही अपने पुराने स्पंक और चार्म को। तो प्रीति के इस डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली करेक्ट रिप्लाई के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।